उत्तराखंड में शराब के कारोबार को लेकर राज्य आबकारी विभाग और सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। आलम यह है कि विपक्ष ने शराब के मुद्दे पर विधानसभा सत्र में भी घेरने का काम किया था। शायद यही कारण है कि अब सरकार का यह विभाग अपने काम में सुधार लाने के लिए कुछ नया करने जा रहा है, जिसमें अवैध शराब तस्करों की काफी हद तक नकेल लग सकेगी और प्रदेश का राजस्व भी बढ़ सकेगा। आबकारी और पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल नहीं लग पा रही है, जिसे यहाँ के आबकारी विभाग को एक तरफ जहाँ नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं प्रदेश के राजस्व पर इसका असर देखा जा रहा है। इसी सब को रोकने के लिए अब आबकारी विभाग अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। देहरादून से क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रेट बढ़ाने की बात नहीं हो रही जी। ये जो अभी जो निर्णय हुआ था कैरसैन विधानसभा में, वो ये था कि इसमें कुछ बढ़ोतरी की गई थी जो एक्साइज ड्यूटी है, उससे देशी शराब में थोड़ा सा उसमें रेट्स में अंतर आएगा। तो उसका इसलिए आवश्यक था कि जो कोटा बहुत ज़्यादा हो गया, जिस तरह से टारगेट है वो तो फिक्स्ड है, उतना टारगेट हमें अचीव करना है, तो उतना जो है शायद डिमांड नहीं है जो शराब की है, तो शराब की बिक्री कम हो वो ठीक ही है। टोटल मतलब जो क्वांटिटी के हिसाब से टारगेट कम हो जाएगा उससे, और जो धनराशि के हिसाब से देखा जाए तो टारगेट उतना ही रहेगा।